नहीं दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग में हमारे चेस्ट को एक बड़ा बॉडी पार्ट माना जाता है, और अगर आपका चेस्ट चेस्ट ग्रो हो जाता है तो हमारे बॉडी को एक अलग नया लुक मिलता है। और अगर आप अपने चेस्ट को ग्रो करना चाहते हो तो आपको एक बात जानना जरूरी है कि हमारे चेस्ट में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और जब तक आपका वो तीनों मसल्स ग्रो नहीं करते हो तो तब तक आपका चेस्ट ग्रो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 चेस्ट वर्कआउट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ उसे करने का सही तरीका भी बताऊंगा। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं स्पेस फिटनेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो बिना टाइम को वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज नंबर 1, डंबल ट्रैक बेंच प्रेस। देखिए, इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उसके जगह पर 2 ईंट भी ले सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले बेंच पर लेट जाना है, और फिर अपने हिप्स को और अपने शोल्डर को बेंच पर रखना है, और आपका जो लोअर बैक है उसे उठा कर रखना है, और साथ ही साथ अपने चेस्ट को जितना ज़्यादा पंप रखेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और फिर आपके डंबल को उठाना है, और फिर अपने हाथों को अंदर की ओर मोड़ना है, और फिर उसे धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। लेकिन ध्यान रहे कि डंबल ठीक आपके निपल के साइड में आना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप डंबल को ऊपर की ओर उठाए तो डंबल को सटाना नहीं है। तो कुछ इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से आपको पोस्चर परफॉर्म करना है। तो एक्सरसाइज आपके चेस्ट को काफ़ी जल्दी कारीगर माना जाता है, आपके चेस्ट को बहुत जल्दी ट्रेन करता है। तो इस एक्सरसाइज का आपको 3 से 12 रेपिटेशन के लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 2, बारबेल फ्लैट डंबल प्रेस। ये एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज के जैसा ही है, लेकिन पहले बार हम लोग डंबल का यूज़ किए थे और अब हम लोग बारबेल का यूज़ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पिछले के जैसे ही बेंच पर लेट जाना है, और फिर अपने लोअर बैक को ऊपर की ओर उठाकर रखना है, और फिर अपने चेस्ट को आगे की ओर लेकर जाना है, और फिर बारबेल को कंधे के सीधे में रखते हुए और फिर उसे धीरे धीरे अपने चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो वो बारबेल नीचे आएगी तो आपके निप्पल से थोड़ा बाहर आना चाहिए, तभी उसके आपको चेस्ट पर प्रॉपर स्ट्रेच पड़ेगा। नहीं तो अगर आप उसे सीधा पकड़ लेकर आते हो तो वो आपके प्रेशर आपके शोल्डर में चले जाएंगे, जिससे कि आपको चेस्ट पर सही ग्रो नहीं मिल पाएंगे। तो इन छोटी छोटी को बातें को ध्यान रखें, क्योंकि एक्सरसाइज को करने में रेपिटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोस्चर। अगर आप गलत तरीक़ों से हज़ार हज़ार बार ये एक्सरसाइज कर लोगे ना, तो इससे आपको ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप इसे सही पोस्चर में 10 बार भी कर लेते हो ना, तो ये आपके चेस्ट पर प्रॉपर डेवलप करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का आपको 3 से 12 रेपिटेशन के लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल फ्लैट। देखिए, एक्सरसाइज भी आपके चेस्ट को वाइड, यानी कि आपके चेस्ट को चौड़ा बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको बेंच पर लेट जाना है, और पुराने बातों को ही ध्यान में रखना है, और फिर आपको डंबल के सीधा ऊपर उठाना है, और उसे कंट्रोल करते हुए उसे धीरे धीरे उसे साइड की ओर ले जाना है, और अपने चेस्ट को पूरी तरीके से स्ट्रेच। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जब आप डंबल को ऊपर लेकर जाए तो दोनों डंबल आपस में टकराना नहीं चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 से 12 रेपिटेशन के लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 4, बारबेल इंक्लाइन बेंच प्रेस। देखिए, एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट को सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके गर्दन के नीचे की हड्डी दिखती रहती है, और जो कि उनके लुक के बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। और ये एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए के साथ साथ आपके इस एरिया को भी ग्रो करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बेंच पर लेट जाना है, और फिर बारबेल को कंधे के सीधे में पकड़ना है। और दूसरी बात, आपका जो लोअर बैक है उसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर रखना है चाहिए, ताकि आपकी चेस्ट पर प्रॉपर स्ट्रेच पड़ सके। तो इसके बाद बारबेल को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है तो इसके बाद बारबेल को धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है और अपर चेस्ट के पास लाने के बाद उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर
लेकर जाना है और कुछ इस तरीके का इस एक्सरसाइज को 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 5 नॉर्मल पुशअप। देखिए पुशअप हमारे चेस्ट मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करें तो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पुशअप तो ज़रूर करें। लेकिन पुशअप लगाते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपको इसका प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। सबसे पहला बात कि आपको ज़्यादा तेज़ी से पुशअप नहीं लगाना है, बल्कि धीरे धीरे नीचे जाए और अपने चेस्ट मसल्स पर फील करते हुए धीरे धीरे ऊपर आए। और दूसरी बात कि आपको अपने बैक को पूरा स्ट्रेट रखना है। और तीसरी बात कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप नीचे जाए तो आपका कोहनी दाएँ बाएँ नहीं होना चाहिए, बल्कि पीछे की ओर जाना चाहिए। तो इन 5 तरह के एक्सरसाइज को अगर आप अपने चेस्ट के वर्कआउट में शामिल करते हो तो आपका चेस्ट कुछ दिनों में ही ग्रो करने लगा। आप कुछ दिनों में ही नोटिस करोगे कि आपका चेस्ट ग्रो मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताए गए सभी बातें आसानी से आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।